नमस्कार साथी, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रेम कुमार, डायरेक्टर ब्यूरो हरियाणा। साथी, जैसे हर प्रकार की न्यूज आप लोगों को हम परिचित करते हैं। आज हम पहुंचे हैं गांव पीपा का पटुका में, और यहां से जो प्रेजेंट सरपंच है, नवनिर्वाचित हुई है, वो भाई शहजाद जी, ग्राम पंचायत सहसोवाल। आज हमारे साथ में जो प्रतिनिधि प्रेजेंट है वो श्री अब्दुल हमीद जी, एक सरपंच है यहाँ से सहसोला ग्राम पंचायत से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो गांव में किस किस प्रकार का अपना विकास का मेन एजेंडा लेके चल रहे हैं। खुद भी 3 बार सरपंच रह चुके। और एक मैं खास बात बताना चाहूँगा, हमीद साहब यहाँ से ऑलरेडी 3 बार सरपंच रह चुके हैं। सरपंच साहब नमस्कार। सबसे पहले तो हमीद साहब, मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार रूबरू हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो प्रधान जी, अभी लगातार आप सरपंची पद पर शोभायमान होते आ रहे हैं, 2-3 बार आप रहे हैं अभी स्कूटर है। तो सर, मैं अपने चैनल की तरफ से सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ। सर, गाँव का जो मेन विकास का एजेंडा, वो क्या लेके चल रहे हैं? शिक्षा व स्वास्थ्य पर ज़्यादा जोर रहेगा, और बेरोजगारी, जो बेरोजगार युवक हैं उनको हमारे यहाँ पर खास तौर से ये अपने वेयर हाउसेस का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। इनमें सभी सेकेंड हैंड स्कूल बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने की कोशिश की। और सर, पानी की जो गंदे पानी की जो निकासी है वो नहीं आ रही, उस पे क्या करना चाहेंगे आप? हम सारे गांवों, 5 गांवों की जो पंचायत है हमारी, उसमें अलग अलग गांवों में पानी के स्टोरेज के लिए हम वाटर टैंक वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे जी, और फिर उसका इस्तेमाल खेती के लिए उस पर हम काम करेंगे। खेल को प्रोत्साहन देने के लिए युवा बच्चों के लिए सर क्या करना चाहिए? सरकार द्वारा ये स्कीमें वैसे तो स्टेट लेवल पर कह रखा है कि भाई हर गांव में स्टेडियम वगैरह का, कुछ गांवों में स्टेडियम, बड़ी पंचायतों में स्टेडियम बनवाएंगे, लेकिन हमारी पंचायतों में काफ़ी पैसा भी है, और हम जो है ना खेल स्कूल बना सरकार से, सरकार से मंजूरी लेंगे। अच्छा, दूसरा सर, युवाओं की मैं बात कर रहा था, युवाओं में जैसे आज का माहौल देखा जाए प्रधान जी, नशे की लत या जुआ सट्टे की ज़्यादा लत है, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को खास तौर से गांव में हमने इसके बारे में आपस में पंचायत भी की है, और उन जिन जिन परिवारों के बच्चे खासतौर से फिलहाल ख़राब हो रहे हैं उनको आगाह भी किया है और समझाया भी है, और कोशिश ये रहेगी कि हम मिलकर सभी ग्रामवासी इस तरह की लत को दूर करवाने की कोशिश करेंगे, और प्रशासन से भी इसमें से जुड़े। सर, सुरक्षा के लिहाज से गांव में किस प्रकार का विकास करेंगे? सुरक्षा के लिहाज से वैसे हमारा इरादा है कि गांवों के चौराहों पर CCTV के कैमरे लगवाए जाए, और उस गांव में जहाँ तक शरीर में लाइट का प्रोग्राम चौराहे और मैन गलियों में लाइट का सोलर लाइट या और प्रधान जी, क्षेत्रवासियों को कोई आप अपना संदेश देना चाहिए, युवा साथियों को कोई संदेश देना चाहिए? सबसे ज़्यादा यही है कि क्षेत्रवासियों को भी, और ये सबसे ज़्यादा तो क्षेत्र में ये है, हमारा क्षेत्र जो है ना एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर ध्यान दिया जाए जी। दूसरा, हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है, गुड़गांव नज़दीक पड़ता है लेकिन बहुत महंगा है, इसलिए हम सरकार से भी और इलाके के सभी लोग भी आपस में मिलकर ये कोशिश करेंगे यहाँ पर किसी बड़ी हॉस्पिटल सरकार द्वारा बनाया जाए, और जिस तरह हमारे पंचायत है उसमें हम BSC के लिए कोशिश करेंगे कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जाए।
तो प्रधान जी ने बताया जो जो गांव में मेन विकास का जो एजेंडा लेके चले, जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ पर जब शुरुआत में आज से 50 वर्ष पहले बिजली की लाइनें लगाई गई थी, वो उसमें तार वगैरह बहुत डैमेज हो चुके हैं और लाइट जो है ठीक से नहीं चल पाती, बार बार रुकावटें पैदा होती हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी सरकार विभाग से और ट्रांसफार्मर सही ताकि सुचारू रूप से और खेती कार्य कोई बात नहीं। तो प्रधान जी ने बताया कि 50 साल पहले जो बिजली की तारें जो पूरी गई थी वो डैमेज हो चुकी है, सरकार से हम निवेदन करते हैं कि उन तारों को चेंज करवाया जाए। सरपंच साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप इसी तरह से समाज की सेवा में पहले से भी लगे रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से वर्त रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर अपना समय दिया आपने और हमारी कोशिश रहेगी कि आप जैसे लोगों के सहयोग से विकास के और गांव के लिए सेवा करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज तक के लिए केवल इतना ही, बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। देखते रहिए बीपी न्यूज़ हरियाणा।